नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट .com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नोड जेएस की सीरीज, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्या था, अपने कोड को लाइव डिप्लॉय किया था नोड जेएस के सर्वर पे, और मैंने आपको बताया था कि कैसे डिप्लॉय करते हैं और कैसे उसको डाटाबेस से कनेक्ट करके उसको लाइव रखते हैं अपने। ठीक है, आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि उसमें जो भी हमने नोड जेएस के वीडियो पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, वो माई एसक्यूएल कनेक्शन के साथ नहीं था, मोंगो डीबी के साथ था डाटाबेस के लिए। आज का वीडियो में सिर्फ आज के वीडियो में मैं क्या करूँगा कि उसको माई एसक्यूएल को नोड जेएस से कैसे कनेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ कर्ड ऑपरेशन, मतलब कैसे हम डाटा इंसर्ट कराएंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, ये ऑपरेशन मैं बताऊंगा जो कि MySQL और Node.js के बीच करेंगे, ना कि MongoDB के बीच। तो ये एक सिंगल वीडियो होगा जिसमें हम सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप जाइए गूगल में, टाइप कीजिए ट्यूटोरियल वेबसाइट। जैसे आप टाइप करेंगे, यहाँ राइट साइड में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारी वेबसाइट की, और यहाँ राइट रिव्यू का ऑप्शन है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे जाके अपना रिव्यू दीजिए। जो भी आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्या है, क्या फीडबैक है आपका, यहाँ पे आप जरूर दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या किया है। एक फ्रेश कहिए, या फिर आपको याद होगा EMS एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का जो हम कोड यूज कर रहे थे, जो कि MongoDB में, वही कोड मैंने पूरा यूज किया है यहाँ पे, मतलब कि लेआउट के लिए सारा वही लेआउट यूज़ किया है यहाँ पे, जैसे नेम, ईमेल, एम्प्लॉय टाइप, आवरली रेट, आवर। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, क्लोन कर लिया उस फाइल को। ये फाइल आपको गिटहब पे मिल जाएगी, आफ्टर वीडियो आप देख सकते हैं। गिटहब का URL भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी कॉपी करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है मैंने, बेसिक क्या है, व्यू फाइल है जिसमें हमारा इंडेक्स फाइल है, और इंडेक्स फाइल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये लेआउट हमारे पास है, एक फॉर्म है बेसिकली, और जिसमें कि हम ये काम करेंगे, और इस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। और MySQL मैंने ओपन कर लिया है पेज में, माई एडमिन, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया है, सॉरी एम्प्लॉय का डाटाबेस बनाया है, और इसके अंदर एक यूजर्स नाम का टेबल है जिसके अंदर की सारा स्ट्रक्चर, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ फॉर्म से जानी है, वो इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये मैंने पहले कर लिया क्योंकि ये कॉमन सी बात है, ये ऑलरेडी आप अगर कोडिंग कर रहे हैं तो इतना आपको नॉलेज होगी, तो ये आप खुद से भी पहले से कर सकते हैं, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो जितना शॉर्ट में बता सकता हूँ उतना मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कड़ ऑपरेशन पूरा इसी वीडियो में परफॉर्म करना है हमें। ठीक है, तो ये डाटाबेस आपको स्ट्रक्चर मिल गया, ID, नेम, ईमेल, ई टाइप, आवरली रेट, टोटल आवर और टोटल उसका, और क्रिएटेड ऑन कब क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये हमारा फॉर्म, बस इतना चीज़ है। अब आपको सबसे पहले इसके रूट पे ले चलता हूँ। रूट पे चलने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, नॉर्मली जो होता है एक्सप्रेस का यहाँ पे रिक्वायर होता है, फिर पाथ जो कि हमारा ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में सारा कवर कर रखा है, रूट यहाँ पे स्टैटिक फाइल डिफाइन कर रखी कि कौन सी जो पेज है वो हमारा स्टैटिक फोल्डर है, कौन सा फोल्डर, तो यहाँ पब्लिक स्टैटिक है तो इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। उसके बाद एक सिंगल बनाया है गेट मेथड और एक पोस्ट मेथड, यहाँ पे देख रहे हैं गेट मेथड है और ये पोस्ट मेथड है। गेट मेथड में सीधे इंडेक्स पेज जो हमारा व्यू का है उसको एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ऐसे हमने यहाँ पे पास कर रखा है, तो आप जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद एक पोस्ट मेथड एक जिसमें कि फॉर्म की वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम ऐसे ही पास करते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैंने मोंगो डीबी के साथ मोंगोस में जब हम डाटा इंसर्ट करा रहे थे तो हमने बताया था कि कैसे पास करते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी आती है अगर आपने हमारे सारे वीडियो देखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डाटा आ रहा है सारा, जो भी हमारा फॉर्म से सबमिट करेंगे वो रिकॉर्ड आ रहा है। अभी इसको कहीं इंसर्ट नहीं किया है, कुछ नहीं किया, बस डाटा को हमने वेरिएबल में डिफाइन कर रखा है, बस इतना काम किया अभी तक। ठीक है, और इसमें भी इंडेक्स पेज को कर रखा है, अगर रिकॉर्ड सेव होगा तो सक्सेस मैसेज दे रखा है, बस ये वही कोड मैंने कॉपी किया है, कुछ अलग से अभी कुछ नहीं किया। अब हमें क्या करना है, अब उस अगर आपको MySQL के साथ इसे काम करना है या कनेक्ट कराना है, MySQL डाटाबेस के साथ आपको टास्क परफॉर्म करने हैं, तो सबसे पहले चीज़ होती है कि MySQL को आपको इंस्टॉल करना होता है, जैसे कि हम MongoDB को करते हैं। तो उसके लिए सिंपल लिखना होता है npm install। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद सीधे लिखोगे MySQL, बस इतना लिखना है आपको, उसके बाद एंटर करोगे। जैसे इंटर करोगे टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कंप्लीट हो गया, कुछ एरर से वो फिक्स किया हुआ है इसने। ठीक है, अब ये MySQL इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नोडमून रन करता हूँ। नोडमून में रन है, फिर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे सब चीज़ सही है। यहाँ पे अभी अगर करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, डाटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ रहा है क्योंकि मैसेज मैंने वहाँ पास कर रखा है, बट देखेंगे डाटाबेस में कोई वैल्यू नहीं होगी।
ये देखिए अभी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैसेज यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट इसीलिए दिया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे हमने सक्सेस मैसेज पास कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं MySQL कनेक्शन करना है तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वर, और मान लीजिए MySQL को हमें लिखना है, MySQL एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया और रिक्वायर करेंगे req, जैसे रिक्वायर करते हैं बाकी चीज़ें तो सिंगल कोस्ट में मैं करूँगा MySQL, इसको रिक्वायर हमने कर लिया। ठीक है, ये रिक्वायर हो चुका है। अब जैसे ही रिक्वायर हो गया तो अब हम सबसे पहले डाटाबेस कनेक्शन बनाएंगे, वेरिएबल का नाम देते हैं कनेक्शन। ठीक है, और उसको अब लिखेंगे MySQL डॉट क्रिएट कनेक्शन, ये देखिए ऊपर आ गया। उसके बाद इसके बाद ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर आएंगे, फिर यहाँ पे जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं डाटाबेस के लिए वो आपको पता है कि सबसे पहले आपको होता है कि आप इसमें पास कीजिए अपना होस्ट जो भी आपका है। तो वर आपने पास किया होस्ट जिसका नाम हमने दिया लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, फिर कॉमा। यहाँ पे वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंपल ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसमें वैसे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोई वेरिएबल उस टाइप से नहीं डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे मैंने लिखा लोकल होस्ट, यूजर नेम हमारा लोकल में है तो सिर्फ रूट होगा, अगर आपका कोई है यूजर नेम तो यूजर नेम डालिए, पासवर्ड ब्लैंक होता है रूट का अगर आप लोकल होस्ट में काम किए हैं तो। और उसके बाद डाटाबेस का नाम, तो डाटाबेस का नाम आपको मैंने दिखाया, डाटाबेस हमारा जो है वो है एम्प्लॉय के नाम से, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, और इसको सेव कर लिया। उसके बाद अब ये देखना है कि कनेक्शन सही है या नहीं, तो कनेक्शन को चेक करने के लिए हम लिखेंगे कनेक्शन डॉट कनेक्ट, ये होता है कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट के अंदर दो, इसमें भी दो पैरामीटर होते हैं फंक्शन के साथ, एक तो होता है आपका दो क्या एक सिंगल यहाँ पे लिख सकते हैं, एरर ही सिर्फ यहाँ पे गेट कर रहे हैं, एरर हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं कि एरर होगा तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे बंद किए और यहाँ चेक किए, इफ़ कोई एरर है तो एरर थ्रो करें, इफ़ एरर थ्रो करेगा एरर। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो कंसोल में हम मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जिसमें कि आएगा कि डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, सिंपली इतना करना है, फिर सेव करना है। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे देखिए कंसोल में आपको ये मैसेज डाटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली आपको मिल जाएगा, यहाँ सेव किया, ये देखिए डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया, मतलब डाटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब है डाटा इंसर्ट कराने के लिए, तो डाटा इंसर्ट कराने के लिए आप देखो फॉर्म है हमारे पास बना हुआ, अब यहाँ से सबमिट कर रहे हैं तो फॉर्म की वैल्यू भी हमें मिल रही है पोस्ट मेथड में, यहाँ पे सारा यहाँ फॉर्म की वैल्यू मिल रही है। अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू को अब सेव कराना है, तो सेव कराने के लिए सबसे पहले क्यूरी लिखते हैं, आपको पता है MySQL में क्यूरी लिखते हैं, तो मैंने लिखा इंसर्ट की क्यूरी। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया, अब इसके अंदर हमने लिखा अपनी क्यूरी। ठीक है, अब इसके अंदर क्यूरी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बंद किया मैंने, लिखते हैं जैसे कि लिखते हैं इंसर्ट नॉर्मल, अब जैसे MySQL में क्यूरी लिखते हैं बिल्कुल ऐसे लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, अब टेबल का नाम मुझे पता है। ठीक है, ये बैक स्पेस है, आपको पता है टेबल का नाम है मेरा यूजर्स बैक स्पेस के अंदर। इसके बाद हमें वैल्यू डिफाइन करना होता है कि कौन कौन सी, मतलब कॉलम का नेम, क्या क्या कॉलम नेम है आपका, तो कॉलम का नेम हम डिफाइन करेंगे बैक स्पेस के साथ, जितने भी हमारे कॉलम का नेम है, तो इस पर जाए इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, कॉपी करते हैं, सबसे पहला आया नेम। ठीक है, नेम के साथ फिर इसको छः वैल्यू और है मेरे पास, तो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तीन चार पाँच एक छः। ठीक है, क्योंकि छः रिकॉर्ड हमें इंसर्ट कराने हैं। उसके बाद आता है ईमेल, कॉपी किया सिंपली, दूसरे वाले से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने किया ई टाइप, कॉपी करते हैं और इस पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। उसके बाद आया आवरली रेट, फिर चलते हैं आवरली रेट, इसी तरह जो भी आपकी वैल्यू है सारा वैल्यू जो कि डाटाबेस का है वो यहाँ से कॉपी करते रहिए और पेस्ट करते रहिए। तो यहाँ से ये कॉपी किया, टोटल आवर कॉपी किया, अब यहाँ पे गए टोटल आवर,
मतलब पहले हो गया, कितने, 1 2 3 4 5 6, यस 6 ही वैल्यू चाहिए थी, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 6 वैल्यू अब आ गए, उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज जो कि ऑलरेडी पता है, वी एल यू ई एस। अब वैल्यूज के अंदर वैल्यू है, अब 6 वैल्यूज हैं तो 6 वैल्यू भी हमें यहाँ पास करनी है, जो कि हमें तो वैल्यू यहाँ पे अभी पास ना करके हम सिर्फ कॉमा पास करते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 6 वैल्यू हमें पास करनी है तो 6 कॉमा हमने पास कर दिया ये। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं एक वेरिएबल फिर से, जिसका नाम दिया मैंने क्यूरी। ठीक है, सिंपली क्यूरी दिया। अब इसमें क्या होता है, क्यूरी में क्या लिखते हैं, माई एसक्यूएल जो कि हमारी है डॉट, यहाँ पे होता है फॉर्मेट का ऑप्शन, ये देखिए फॉर्मेट डिफाइन करना होता है, फॉर्मेट का ऑप्शन लिया मैंने। इसके अंदर सबसे पहले पास करेंगे जो कि हमने वेरिएबल ऊपर बनाया है, इंसर्ट क्यूरी सबसे पहला पैरामीटर होगा। दूसरा पैरामीटर होगा जो कि एरे फॉर्मेट में होगा, एरे फॉर्मेट में कौन से पैरामीटर होंगे, जो कि 6 वैल्यू हमें ये पास करने हैं, ये 6 वैल्यू पास करनी है, तो कॉमा के साथ अब यहाँ पे इसको पास कर देते हैं, पहला दूसरा कॉमा के साथ। इस चीज़ को याद रखिए, एरे रखना है, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट के अंदर इसको रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये यहाँ पे गलती होती आपसे तो ये वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा, आपको एरर आएगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर ही दूसरा पैरामीटर में जो भी वैल्यू आप जा रहे हैं वो डालनी चाहिए। उसके बाद आया फिर से, ठीक है, उसके बाद आवरली रेट हो गया, अब यहाँ पे आए टोटल आवर, फिर कॉमा, लास्ट में हमारा है टोटल, इसको कॉपी करते हैं, इसको भी पास कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा वैल्यू पास हो चुका है, ये कहाँ से आया, इसको हटाते हैं ये, ठीक है, ऊपर बंद हो गया, यहाँ पे हो गया ये, फिर अब बदलेंगे इसको, करेंगे क्लोज। अब यहाँ तक हमारा हो चुका है, अब डाटाबेस इंसर्ट कराने का काम करना है, तो डाटाबेस इंसर्ट कराने के लिए लिखते हैं कनेक्शन जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर बना रखा है डॉट, यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ऊपर है, अब हमें कनेक्शन डॉट यहाँ पे ये नहीं करना है। ठीक है, कनेक्ट के बाद आना है हमें इसमें, सॉरी इसके ऊपर नहीं चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पास करना है कि ये कनेक्शन डॉट क्यूरी लिखनी है हमें, कनेक्शन डॉट क्यूरी अब हमें बना रहे हैं, तो ये सबसे पहले इसको पास करते हैं। आप यहाँ पे वेरिएबल क्यूरी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको क्यूरी ही लिखना है। ठीक है, ये पहला पैरामीटर हो गया जो कि क्यूरी हमारी पास हुई, उसके बाद आया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर दो चीज़ें हमारे होंगे, एक तो होगा मतलब रिक्वेस्ट होगा, दूसरा होगा रिस्पॉन्स, ये चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पास करते हैं रिक्वेस्ट एरर, सबसे पहले एरर सॉरी, उसके बाद रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स पूरा लिख देते हैं क्योंकि ऊपर भी हमने ऑलरेडी आर ई एस लिख रखा है, तो सीधे आर ई एस न लिख के पूरा रिस्पॉन्स में पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बस इतना काम करना है। इसके बाद आए, अगर ये सक्सेस होता है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कट हो गया और यहाँ पे पास हो गया, बस इतना करना है। ठीक है, अब इसको बंद किया हमने, अगर यहाँ पे फिर अब चेक करेंगे अगर कोई एरर है, इफ़ एरर तो थ्रो करो एरर, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है रिस्पॉन्स में, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, उसके अंदर रिस्पॉन्स जो भी हमारा, ये मैंने लिख दिया था क्या इतना बड़ा, अच्छा हाँ, इसको अच्छे से रिस्पॉन्स इसी को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल जेड, ये रिस्पॉन्स सिर्फ कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है यहाँ पे, सेव हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा सेव है, जैसे हमने सेव किया यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन का ही रहा है मैसेज कि डाटाबेस कनेक्टेड है, मतलब सारा काम हो रखा है। अब हमें जो करना है अब उसकी बात करते हैं, अब हम चलते हैं पेज पे, रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ से ऐसे रिफ्रेश कर लेते हैं और एक बार डाटाबेस आपको दिखा दूँ कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, क्लियर कर देते हैं, देखिए अभी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम डाटाबेस पे इंसर्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, आवरली है ही, मैंने आवर रेट कर दिया 12 और ये 30 घंटे, टोटल आवर 30 घंटे। अब सबमिट करते हैं, यहाँ पे एरर आ गया, चेक करते हैं एरर क्यों आया, पहले तो क्या दिक्कत है, रिटर्न माय एसक्यूएल एरर, यू हैव एसक्यूएल चेक मैनुअल डेट लाइन 1। एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को फिर से, ठीक है यहाँ रिफ्रेश हो गया, इसमें एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं, इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल का नाम ठीक है,
यहाँ पे ई टाइप दिया है, आवरली दिया है, आवरली रेट दिया है, वैल्यूज दिया है, वी एल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ही दिया है, यहाँ पे भी 6 ही है। ठीक है, यहाँ पे नेम, ईमेल, अच्छा ये लास्ट में, ये अच्छा लास्ट में ये जो टोटल है वो नहीं पास हुआ है, ये देखिए यही गलती होगी, ये जो टोटल है ये पास नहीं हुआ था, जबकि यहाँ भी टोटल भी जाना था, शायद हो सकता है मिस्टेक रह गया हो। अब ये सेव हो चुका है, डाटाबेस कनेक्शन सही है। अब वहाँ से दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करना है ना कि वो पास्ट। अब रिफ्रेश करते हैं, अब ये देखिए रिफ्रेश हो चुका है, दोबारा से एंटर करते हैं 12, फिर करते हैं 30, सबमिट। ये देखिए अब हो गया रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे डाटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो चुका है 12 और 30 का, देखिए टोटल भी सही आ रहा है। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने नाम दिया अपना प्रदीप, ईमेल दिया कुछ भी PRADWP प्रदीप, यही दे देते हैं। आवरली रेट 20 घंटे, सॉरी 20 के आवर से रेट होगा हमारा, 40 घंटे हमने काम किया, तो सबमिट करो, डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। ये देखिए यहाँ पे दूसरा डाटा भी आ चुका है, तो ये हमारा दोनों डाटा यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे मिल रहा है अब आपको, मतलब डाटा इंसर्ट हो रही है। वही यहाँ पे टोटल की गलती थी, यहाँ पे टोटल पास नहीं हुआ था इसलिए वगैरह। और ये देखिए जैसे इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे आपको रिस्पांस भी आ रहा है, जो कि हमने रिस्पांस प्रिंट कराया था, यहाँ पे रिस्पांस में क्या क्या आ रहा है, फील्ड काउंट कर रहा है, अफेक्टेड रो भी काउंट कर रहा है कि क्या हुआ है। ये देखिए इंसर्ट आईडी भी दे रहा है, जो आईडी इंसर्ट हो रही है मतलब लास्ट इंसर्ट आईडी जो आ रही है, मतलब इंसर्ट होने पे, ये जो आपने ऑटोमेटिक इंसर्ट की बात की थी वो आईडी यहाँ पे मिल रही है आपको। ये चीज़ें हैं, ये हमें अगर हमें बाद में अगर किसी और इस आईडी का यूज़ करना है तो हम इसको यूज भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट क्या लिख के, ये वाला इंसर्ट आईडी, ये वेरिएबल लिख के यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट इंसर्ट आईडी ऐसे लिख के हम उसको यूज भी कर सकते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाटा इंसर्ट हो रहा है, तो कंसोल को मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट, सेव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डाटा इंसर्ट हो चुका है, अब इसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए भी सेम, आपको सबसे पहले क्यूरी लिखनी है, वेरिएबल बनाया हमने जिसका नाम दिया हमने गेट क्यूरी, गेट रिकॉर्ड या गेट क्यूरी अब लिखते हैं, गेट क्यूरी। ठीक है, अब इसमें भी सिंपल हमें क्या लिखना है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल जैसे लिखते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम हमें क्या से लिखना है, यूजर्स, सिंपल, कोई एंड और लगाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन डॉट क्यूरी, ठीक है, इसको पास किया गेट क्यूरी, यहाँ पे ये रहा गेट क्यूरी पास किया। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन के अंदर फिर वही दो पैरामीटर, एरर और रिजल्ट या रिकॉर्ड कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद ये बंद, अब अगर रिकॉर्ड आ रहा है तो यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं अब इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे पहले कि एरर है कि नहीं, इफ़ एरर थ्रो एरर, थ्रो एरर, अदरवाइज रिजल्ट है हमारा ये रिजल्ट, इसको पास कर देते हैं हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड्स बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं रिकॉर्ड्स, इसके अंदर पास कर दिया कॉमा। ठीक है, रिकॉर्ड्स के अंदर पास हो चुका है, अब ये रिकॉर्ड्स के अंदर पास हो चुका है तो पहले जाते हैं इंडेक्स पेज पे व्यू के। ठीक है, इसमें हम चाहते हैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, यानी कि फॉर्म से ऊपर ये रिकॉर्ड इंसर्ट मतलब जो भी हुआ यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो सिंपल, आपको मैंने टेबल कॉपी करके रखा हुआ है पुराना वाला जो हमने बनाया था, यहाँ पे मैंने हटा दिया था अभी, अब इसको कॉपी कर लेता हूँ सेम टेबल को, कोड को जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ था, यहाँ पे टाइटल के बाद मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे डाटा अब टेबल पेस्ट हो चुका है, अब रिकॉर्ड्स आ रहा है तो रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी, इसीलिए मैंने वेरिएबल भी रिकॉर्ड्स ही दिया है ताकि, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल पे रिकॉर्ड्स कर रखा है। अब चेक होगा सारा चीज़, नेम होगा, ईमेल ऑलरेडी, ये जितने भी हैं वो सारा हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगी, रो डॉट आईडी हो जाएगी, क्योंकि अब अंडरस्कोर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आईडी आ रहा है नॉर्मली, डॉट आईडी, ठीक है, ये ही पास कर सकते हैं हम। अब हम इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं अब डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। रिफ्रेश किया हमने, सॉरी रिफ्रेश इस तरह से नहीं करेंगे, पूरी तरीके से नहीं तो फिर से डाटा इंसर्ट हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स भी हमारा आने लगा है, ये देखिए जो भी हमारा रिकॉर्ड्स है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे आईडी पे जाएंगे तो ये देखिए ऊपर आईडी भी 1 आ रही है, इसकी 2 आ रही है, तो ये दोनों भी है, डिलीट में भी हो रहा है और यहाँ पे
डिलीट में भी आईडी आ रही है। तो देखिए दो चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिली, पहला सेलेक्ट करने के लिए नॉर्मल जो हम MySQL में क्यूरी लिखते हैं वही लिखना है, तो फिर कनेक्शन जो हमने बनाया है डॉट क्यूरी, क्यूरी के बाद हमें पास करना है अपनी क्यूरी को, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद दो नॉर्मल होता है जो कि पैरामीटर होता है, एरर होता है या तो रिजल्ट, एरर है तो एरर प्रिंट किया नहीं तो रिजल्ट को पास कर दिया। ये हो गया इंसर्ट की हो गई और यहाँ गेट की होगी। यहाँ पे इंसर्ट के बाद भी अगर गेट वाला चाहते हैं तो ये सीधे कॉपी कर सकते हैं ये कोड, यहाँ पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इंसर्ट होने के बाद ये डाटा भी हमें दोबारा से डिस्प्ले हो जाए, तो इसको कॉपी किया, उसके बाद ये क्यूरी हुए तो इसको एक बार उसको भी कॉपी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसके बाद इसको रिकॉर्ड्स में पास कर देंगे, यहाँ पे सेम रिकॉर्ड्स का यहाँ पे भी बना के RECORDS यहाँ पे पास कर दिया, फिर कॉमा सेव करेंगे तो इसमें क्या होगा, अब जैसे डाटा इंसर्ट कराएंगे तो आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे क्या होगा यहाँ से डाटा इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा। मान लीजिए लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया करण नाम से, नाम हो गया करण, फिर karan@gmail.com, उसके बाद आवरली रेट इसका भी कुछ भी 10 यहाँ पे लिखा मैंने, 60 यहाँ लिखा, सबमिट किया तो ये देखिए करण की वैल्यू आ गई, हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। ये फ़ायदा हुआ हमें यहाँ पे लगाने से, तो ये ऑलरेडी भी हमने ऑलरेडी उसे बता ही रखा था, उसमें कोई अलग से नई चीज़ नहीं है। तो इतना चीज़ हो चुका है, अब बात करते हैं एडिट की। एडिट के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, कॉपी करते हैं पैरामीटर को, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक बनाते हैं अलग से रूट, उसके बाद रूट यहाँ पे बंद, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इंडेक्स तो है, इसके बाद सीधे लिखते हैं एडिट, एडिट का स्लैश फ्री ए एनी, एनी इसलिए क्योंकि डायनेमिक वैल्यू हमें लानी है तो एनी। अब वेरिएबल आईडी गेट करते हैं, यहाँ पे एनी की जगह आप आईडी कर दीजिए क्योंकि आईडी हम ले रहे हैं, तो आईडी हो गया। तो आईडी गेट करने के लिए फिर यहाँ पे होता है, आपको होता है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स ये नीचे, ठीक है, डॉट आईडी, तो इससे क्या होगा गेट मेथड से जो भी आईडी आ रहा है वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट ये कर देते हैं कॉपी, फिर ये यहाँ पे बनाते हैं एक एडिट का पेज, EDIT, ठीक है, एडिट का पेज सेव किया जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है मेरे पास, तो ये देखिए एडिट का पेज बना हुआ है सेम, यहाँ पे बस डाटा डिस्प्ले करा के एडिट करना है सेम, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, ऑलरेडी पेज बने हुए हैं, आप अगर आपके पास कोड है पुराना तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये गिटहब से डाउनलोड कर लीजिएगा जब मैं बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डाटा मिल रहा है, तो डाटा मिल रहा है तो अब हमें आईडी से डाटा गेट करनी है, तो गेट करने के लिए ऊपर वाला फिर से कॉपी कर लेंगे ये कोड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कॉपी किया हमने और यहाँ पे ऊपर कनेक्शन एडिट कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, वेयर कंडीशन लगाया सीधे वेयर आईडी इक्वल टू, हमें लिखना है यहाँ आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम देंगे क्यूरी, मान लो दे दिया हमने, ठीक है, क्यूरी के अंदर फिर लिखेंगे MySQL डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट भी हमें फिर से डिफाइन करना होगा क्योंकि इसमें एक डायनेमिक वैल्यू जा रही है। फिर यहाँ से पास करेंगे गेट, फिर कॉमा, फिर एरे, एरे के अंदर हमारी जो आईडी पास हो रही है, ये जो आईडी आ रही है उसको पास कर देते हैं, सिंपल करना है इतना ही है। उसके बाद अब यहाँ पे क्यूरी पास करना है, अब यहाँ पे गेट क्यूरी की जगह अब पास करना है क्यूरी, सिंपल। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे एक और कनेक्शन को बनाइए, कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कीजिए, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिकॉर्ड्स का हमने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे पहले चेक करा लेते हैं इफ़ कोई एरर है तो एरर थ्रो करेगा, थ्रो एरर नहीं है तो रिकॉर्ड्स को हम पास कर देते हैं, लेकिन पहले एडिट में देख लेते हैं किस वेरिएबल के नाम से पास करना है हमें, रिकॉर्ड्स के नाम से ही इसमें भी है तो रिकॉर्ड्स के नाम से ही पास कर देते हैं, यहाँ भी रिकॉर्ड्स में रिजल्ट ऑलरेडी पास है, सेव कर लिया हमने। तो एडिट वाला अब पेज आप जाएंगे एडिट वाले पेज पे, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे, ठीक है। तो फॉर्म का यहाँ पे एक है अपडेट का हमने बनाना है, आगे बनाएंगे हम ये फॉर्म की सारी डिटेल मिल जाएगी सेम, तो हमें अब ज़्यादा अब क्या करना है रिफ्रेश करना है एक बार यहाँ से, वो यहाँ से प्रॉपरली रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश हो गया। अब एडिट पे, ये एडिट पे, तो यहाँ पे आया क्या लिख रहा है एडिट नॉट फाउंड, मतलब ये आपका ये जो कह रहा है URL फाउंड नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से चलते हैं इंडेक्स जेस पे, तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे नॉर्मली एडिट क्यों लिखना था, हमें एडिट के साथ आईडी पास करनी थी, अच्छा ये गेट रूट करना है, पोस्ट नहीं गेट,
सेव किया हमने, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए रिफ्रेश कर दिया, एडिट आया, लेकिन अभी यहाँ पे कोई डिटेल यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको, कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो एक बार फिर से चेक करते हैं क्यों नहीं मिल रहा। वेयर आई डी इक्वल टू हमारा पैराम्स, ये आ रहा है ना कंसोल डॉट लॉग में, एक बार चेक कर लेते हैं कि डाटा ऊपर से आ रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे पास कर दिया आई डी, ये चेक करने के लिए कि आई डी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं एक बार, कंसोल में आई डी आ रही होगी, आई डी आ रही है, मतलब यहाँ तक सही है। अब सेलेक्ट, अच्छा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर आई डी इक्वल टू, सही है आई डी यहाँ पे हम पास कर ही रहे हैं। अच्छा, हो सकता है सिंगल वैल्यू है तो सिर्फ आई डी भी हम पास कर दें ऐसे, तो भी चलेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं आया। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ये ऊपर वाला ही कॉपी कर लेते हैं, ये मतलब आईडी तो मिल ही रहा है हमें। एक्स किया हमने, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे रिजल्ट को पास कर दिया, देखते हैं रिजल्ट आ क्यों नहीं आ रहा है। सेव किया हमने, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल में देखते हैं रिजल्ट आया कि नहीं आया। रिजल्ट तो इसमें आ रहा है, कंसोल में प्रॉपर आ रहा है, रो पैकेट के नाम से आ रहा है इसमें आईडी, रो पैकेट यहाँ पे कंसोल डॉट, ठीक है आ रहा है यहाँ पे डाटा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं एडिट पे, तो डाटा हमें जो मिल रहा है हम यहाँ पे कैसे गेट कर रहे हैं अब वो देखना है हमें। रिकॉर्ड्स डॉट अंडर स्कोर आईडी एक तो पहले हटाना है, यहाँ पे आईडी हो गया, सेव किया हमने, और यहाँ पे रिकॉर्ड्स का नाम नेम ही है, ईमेल है, हमने यहाँ पे नेम ईमेल ही रखा है डाटाबेस में, नेम है, ईमेल है, ई टाइप है, आवरली है, नेम ईमेल यहाँ पे चेक किया है, ई टाइप ही है, यहाँ भी आवरली ही है, और यहाँ पे रिकॉर्ड्स ही हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे तो है सही। एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसोल में क्या है, यहाँ पे ये पास कर रहा है, इसके अंदर एक मतलब कि रो है, रो यहाँ पे रो पैकेट यहाँ पे जा रही है, ये देख रहे हैं रो पैकेट के अंदर ये है सारा का सारा डाटा। ठीक है, ओके दोस्तों, ये देखिए मैंने गूगल में थोड़ा सा टाइप किया तो यहाँ पे मुझे मिल गया सॉल्यूशन। इसमें क्या है, हमें करना है क्या है, सिंपल से बात है, जो हमारा डाटा आ रहा है उसको हमको इस फॉर्मेट में पास करना है, चेंज करना है, बस इतना करना है। इसमें हम गए कोड में, गए यहाँ पे डाटा आ रहा है हमारा, रिजल्ट आ रहा है, इसको कॉपी किया हमने, इसको पहले स्ट्रिंगिफाई किया हमने, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग मिला, फिर स्ट्रिंग को क्या करना है, पार्स करना है अब जेसन फॉर्मेट में फिर से, तो स्ट्रिंग को फिर यहाँ जेसन फॉर्मेट पास कर रहा है। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट को अब अगर हम यहाँ पे पास करते हैं तो हमें डाटा हमारा मिल जाएगा। सेव किया हमने, रिफ्रेश हो चुका है पेज, सेव हो चुका है, अब रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे पेज को, अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं हमें मिल जाना चाहिए, अभी भी नहीं आया। अकॉर्डिंग टू इनके तो हो जाना चाहिए, ये वर्क करना चाहिए था मुझे। कंसोल डॉट लॉक करके देखते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग, जेसन की वैल्यू को लॉक करना है हमें। सेव किया हमने, कनेक्शन सक्सेसफुली, तो ये देखिए अब तो सही फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में अब हमें मिल रहा है, आईडी भी मिल रही है, रिपोर्ट्स डॉट आईडी सारा मिल रहा है। रिकॉर्ड्स डॉट आई डी, ठीक है रिकॉर्ड्स डॉट आई डी। एक काम करता हूँ, ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिंग आ रही थी इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये क्या, ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, कि हो सकता है ये स्ट्रिंग सही फॉर्मेट में आ रहा हो, उसके बाद ये कन्वर्ट कर रहा है हमें। गए यहाँ से रिफ्रेश किया, यहाँ पे गए तो ये भी सेम फॉर्मेट में ही दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ किया इसने। अगर हम इसको ही पास करके देखते हैं तो भी मेरे ख्याल से रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमें। सेव किया, क्योंकि एरे में दे रहा है ना ये डाटा, जबकि एरे में नहीं चाहिए हमें, सिर्फ सिर्फ स्ट्रिंग में चाहिए। तो या तो फिर इसके एक ही सॉल्यूशन है कि ये जो डाटा आ रहा है जेसन फॉर्मेट में, पहले इसी को ले लेते हैं, ठीक है इसको पास कर दिया यहाँ पे, जेसन फॉर्मेट में आ रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के क्या कर लिखते हैं, जहाँ से हमारा ये है यहाँ पर लिखते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल लिखते थे पहले ऐसे और ऐसे,
यहाँ पे लिखते हैं ना रिकॉर्ड्स डॉट RECORDS रिकॉर्ड्स डॉट फॉर इच वाला जो फंक्शन है ये देखिए यहाँ पे मेरे को मिल गया था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फॉर इच ये डॉट ये कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर इच फंक्शन के बाद यहाँ पे लिख देते हैं रो, सारा रो लिख देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट किया हमने तो डीप जहाँ बंद हो रहा है वहाँ पे हम इसको बंद भी कर देंगे, यहाँ पे बंद हो रहा है यहाँ पे, स्पेस बंद, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, बंद करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं स्पेस को। अब हमारे पास आ गया रो, अब इस रो को हर जगह पेस्ट करेंगे, रिकॉर्ड वी डॉट रो डॉट आई डी, ठीक है रो डॉट आई डी हो गया। अब इसी तरह रो डॉट नेम, रो डॉट ईमेल, उसके बाद रो डॉट यहाँ पे कहाँ गया रिकॉर्ड्स की जगह रो डॉट ई टाइप हम चेक करेंगे, रो डॉट ई चेक करेंगे, उसके बाद फिर रो डॉट ये चेक करेंगे, हर जगह रो करेंगे रिफ्रेश, रिप्लेस कर दिया, सेव कर दिया हमने, ठीक है यहाँ पे सेव हो चुका है। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मिसिंग आर्गुमेंट बता रहा है कहीं, अच्छा हाँ एक चीज़ और हम मिस हो गया, क्या हो गया कि यहाँ पे हमने क्या किया था एरे, यहाँ पे हमने ये इसका बंद कर दिया बट ये वाला ब्रैकेट बंद नहीं किया लास्ट में जहाँ पे हमने बंद किया था यहाँ पे, ये दिक्कत है, ठीक है कोई नहीं। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे देखिए डिटेल मिल गया, टोटल आवर वाला लग रहा है अपडेट नहीं हुआ, टोटल आवर वाला भी देख लेते हैं, टोटल आवर वाला कहाँ गया, टोटल आवर, टोटल आवर, टोटल आवर्स लिखते हैं रिकॉर्ड टोटल आवर्स, आवरली रेट टोटल आवर्स नहीं है, अच्छा टेबल का नाम में यहाँ पे नाम कुछ और है ना, टोटल आवर का सिर्फ टोटल है इसलिए यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ टोटल लिखना है TOTAL। सेव किया, फिर से गए यहाँ पे रिफ्रेश किए, इसको फिर से बड़ा कर लिया और रिफ्रेश किया यहाँ से पेज को, तो ये देखिए ये रिकॉर्ड भी आ गया, आवरली रेट टोटल आवर आना चाहिए था, सॉरी टोटल आवर हमारा नाम हमने दिया ये दिया स्मॉल में दिया, सेम कॉपी करते हैं, सेव किया हमने, अब यहाँ पे गए रिफ्रेश किए, लेकिन कोडिंग में ये सब चलता है थोड़ा बहुत तो गलतियाँ होती हैं सबसे। अब ये हो गया हमारा डाटा आ चुका है, अब हमें यहाँ पे सबमिट करके क्या करना है, अब इस रिकॉर्ड को अपडेट कराना है, तो अपडेट कराने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नया वो बनाना है, क्या नाम है, हम बनाएंगे एक नया ये रूट जो कि पोस्ट मेथड वाला ये जो रूट है यही सेम बनाया, कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि अपडेट का भी सेम है बस क्यूरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, अंतर इतना ही है। और यहाँ पे लिख दिया अपडेट, अपडेट इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे इसका पोस्ट मेथड यहाँ पे जो फॉर्म का पोस्ट है वो अपडेट के नाम से एक्शन, ये देखिए फॉर्म का एक्शन यहाँ पे अपडेट है इसलिए हमने यहाँ पे अपडेट का यहाँ पे पोस्ट मेथड से बनाया है, ठीक है। अब अपडेट आ चुका है, यहाँ पे हो चुका है, सब चीज़ यहाँ परफेक्टली वर्क कर रहा है, हर एक चीज़ वही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अब क्यूरी में चेंज किया होगा, अपडेट कर देंगे अपडेट यूजर नेम मतलब यूजर्स सॉरी यूजर्स, अब यहाँ पे यूजर्स के पास सेट वाला जो फंक्शन होता है वो लग जाएगा, तो ये सब हटा देते हैं एक बार के लिए, यहाँ से यहाँ तक ये भी हटाया और यहाँ से ये हटाया, यहाँ पे लिख दिया सेट इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू लगा दिया ये, ठीक है ईमेल इक्वल टू ये, ई टाइप इक्वल टू ये, वर्ली इक्वल टू ये, समझ ही गए होंगे कैसे करना है हमें, टोटल इक्वल टू ये, ठीक है वेयर कंडीशन भी लगानी है, अब इसके बाद वेयर वेयर आई डी, आई डी इक्वल टू एक और, ठीक है यही इतना लिखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एडिट में बाकी चीज़ें आ रही हैं, एक चीज़ यहाँ पे अभी नहीं आ रही जो कि आईडी की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ पे आईडी की वैल्यू भी गेट करेंगे, यहाँ पे ऊपर में पेस्ट किया, यहाँ पे भेजा आईडी पास किया और यहाँ पे आईडी आया हमारा, ठीक है यहाँ पे हर एक चीज़ सही है। अब यहाँ पे आईडी की वैल्यू भी अब हमें पास करनी पड़ेगी एक लास्ट, यहाँ पे बाकी रिक्वेस्ट सही है, यहाँ पे यहाँ आवरली रेट क्या
आवरली रेट पास किया यहाँ पे, ई टाइप टोटल आवर, ये क्यों यहाँ पे पास हुआ है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, यहाँ से डिलीट करते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इंसर्ट या इंसर्ट क्यूरी की जगह इसको नाम दे देते हैं अपडेट की, थोड़ा अच्छा लगेगा, अपडेट। और इस क्यूरी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। उसके बाद नेम आ रहा है जो कि सही है, ईमेल भी है, सब चीज़ है, टोटल तक सही है, टोटल आवर के बाद टोटल यहाँ पे है। अब कॉमा वेयर के बाद हमें पास करनी है आईडी, तो अब आईडी की वेरिएबल भी यहाँ पे बन चुकी है, तो अब लास्ट में इसको बस पास कर देंगे यहाँ पे आईडी, बस इतना करना है। उसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपडेट क्यूरी चल रही है, ये भी चल रहा है, अपडेट होने के बाद जो आएगा यहाँ पे चलता रहेगा, एरर आया तो ठीक है, अदरवाइज अपडेट हो जाएगा वैल्यू को। अब यहाँ पे गया, रिफ्रेश करते हैं, अपडेट 30 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ 40 कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा 40 कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल वेबसाइट के डिटेल में चेंज कर रहे हैं। सबमिट किया, यहाँ पे आया, एरर आ गया, तो ये भी चेक करते हैं। वेयर क्लॉज के पास है अननोन कॉलम वन वेयर क्लॉज, अच्छा वेयर के पास कुछ होगा, टोटल इक्वल टू टोटल वेयर आईडी इक्वल टू, ये सही तो है, आईडी आईडी के बिहाफ पे ही हमें अपडेट करानी है वैल्यू को, वेयर इक्वल टू, ये सही है, वैसे तो कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है। सेट नेम इक्वल टू ईमेल ई टाइप, छः वैल्यू है टोटल, टोटल यहाँ भी है। उसके बाद वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल लगा के लिखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश बैक जाते हैं। तीस अपडेट करते हैं, 40 करते हैं इसको, और मैसेज में पास करना है अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे मैसेज जो हमारा पास है अपडेटेड रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, सेव किया हमने। देखते हैं क्या क्या एरर आ रहा है, ये हो गया, इसकी जगह इसको करना है 40, सबमिट, अभी भी सेम एरर ही आ रहा है, और अभी भी क्लॉज पे ही एरर होगा जहाँ तक मुझे पूरा लग रहा है। कॉलम अननोन कॉलम वेबसाइट इन फील्ड लिस्ट, ट्यूटोरियल वेबसाइट इन फील्ड लिस्ट, अननोन कॉलम नेम बता रहा है, मतलब कि नेम ट्यूटोरियल वेबसाइट नेम है बैड फील्ड अननोन कॉलम ट्यूटोरियल वेबसाइट। एक काम करता हूँ, इसको भी सिंगल सिंगल कर देते हैं, हो सकता है इसकी डबल किया मैंने इस वजह से इशू आ रहा हो। टोटल सेव किया हमने, अब एडिट पे जाना है हमें। ठीक है, यहाँ पे 30 की जगह किया 40। अब ये देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, हाँ वही है, सिंगल कोमा करना था यहाँ पे, सॉरी सिंगल क्वेश्चन मार्क रखना था, डबल में हमने कर दिया था, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। ये देखिए अपडेट हो गया, तो यहाँ पे देखिए 40 हो गया, तो 480 यहाँ पे टोटल आवर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया ना एक जगह कि टोटल आवर की जो यहाँ पे है, ये टोटल आवर यहाँ पे कैपिटल में है, यहाँ पे स्मॉल में है, हमारे अभी के डाटाबेस में ये अंतर है। अब रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए आ गया 40 40। फिर से एडिट करते हैं, 40 की जगह इसको फिर से 30 कर देते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये देखिए 30 आ गया, तो ये अपडेट भी हो रहा है। अब बात करते हैं डिलीट की, अब लास्ट हमारा टर्न होता है डिलीट का, तो चलते हैं डिलीट के लिए भी वही सेम रूट, ऊपर वाला कॉपी करते हैं ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया हमने सीधे, और नीचे गए यहाँ पे गए, पेस्ट किया, यहाँ पे बंद किया और ये बंद किया, सेव हो गया। अब पैरामीटर सारा चीज़ सेम रहेगा, बस क्यूरी में थोड़ा सा चेंज करना है, आईडी के बिहा पे ये जो आ रहा है ये सारा रहेगा सेम, सेम के नीचे तक पूरा सेम ही कर दो, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम ही रहेगा, बस क्यूरी में चेंज होगा हमारा इसका, तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कर ही देते हैं सेम, इतना क्यों जा रहा है, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से कॉपी करते हैं,
अरे यार शिफ्ट के साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सब सही है, सेम ही है क्यूरी। अब यहाँ पे सिर्फ कर देते हैं डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे गेट की जगह हो जाएगी डिलीट क्यूरी, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आई डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आई डी यहाँ पे पास हो रहा है, यहाँ पे डिलीट क्यूरी की जगह यहाँ पे पास करते हैं डिलीट क्यूरी, और यहाँ पे सेम है रिजल्ट आएगा, जो भी होगा सक्सेस होगा, एरर रिजल्ट आ गया तो यहाँ पे क्यूरी फिर पास हो गई डिलीट के बाद। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे डिलीट हमारा हो रहा है यहाँ से, अब हमें यहाँ पे पास करना है इंडेक्स वाला रिकॉर्ड पे ही जाना है हमें, इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे रिस्पांस कुछ होगा नहीं, रिस्पांस में जेसन में आएगा, सक्सेस पास करना है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, रिकॉर्ड जेसन फॉर्मेट में आना है। तो एक काम करता हूँ, डिलीट के बाद ये डिलीट हो गया, डिलीट से आईडी मिला हमें कनेक्शन, यहाँ पे रिस्पांस में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ एरर पास किया, उसके बाद फिर नीचे आए, फिर हम सेलेक्ट वाला क्यूरी पास करते हैं यहाँ से, ये वाला जो रिजल्ट हमें लेना है, ये कॉपी, उसके बाद इसके बाद कहाँ गए सबसे लास्ट में, हाँ यहाँ पर एरर है तो ठीक है, फिर स्ट्रिंग विस्ट्रिंग यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चेक किया एरर, एरर है, फिर इसके बाद ये पास किया, इसके बाद यहाँ पे क्लोज किया, बंद किया, सिंपल इतना किया, एरर से यहाँ पे क्यूरी आ गई, गेट क्यूरी से डाटा ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे बस इतना करना है, डाटा किया क्या हमने, यहाँ पे एक डिलीट का हमने बनाया जो कि डिलीट ऑलरेडी है, आईडी यहाँ मिल रही थी, रिक्वेस्ट से आईडी आई, यहाँ पे डिलीट का क्यूरी लिखा हमने, वेयर आईडी इक्वल टू हमने बता दिया कौन सी आईडी डिलीट करनी है, फिर यहाँ नाम चेंज कर दिया और आईडी पास कर दिया जो आईडी है, ये क्यूरी क्या करेगा, डाटा डिलीट कर देगा, एरर आएगी तो कोई एरर बताएगा, नहीं आएगा तो सक्सेस होगा, फिर यहाँ से यूजर्स के सारा रिकॉर्ड लेगा और इंडेक्स पेज पे हमारा रिजॉल्व आ जाएगा, जो भी रिजल्ट होगा मूव हो जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार यहाँ से, ऐसा सिंपल मतलब कि इंडेक्स पेज पे इसको हटाइए इस पर, ठीक है, अब मान लो पहले वाला डाटा डिलीट या लास्ट वाला डाटा मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट आईडी थ्री, डिलीट आईडी थ्री पे एरर आ गया, क्या है, हर एक चीज़ में एरर आ रहा है, जेसन इज नॉट डिफाइंड, जेसन हमने कहाँ लिखा है, अच्छा क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड्स जाना है जेसन की जगह, ठीक है, सेव, बैक गए, यहाँ पे डिलीट हो चुका है, देखिए डाटा लेकिन डिलीट हो गया था, एरर आ गया था बट डाटा डिलीट हो गया था, यहाँ पे सिर्फ डिलीट किए तो ये देखा डाटा डिलीट हो गया। आप यहाँ पे इतना ना करना चाहें तो ये आप सीधे क्या कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक हटा के यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट उसको कर देते हैं बेस, यहाँ पे सिंगल बेस सिंपल, ये ज़्यादा सही होता है इसमें भी, और ये कहाँ गया अपडेट वाले में भी, इसमें भी, इसमें भी दोबारा से ना दिखा के यहाँ से यहाँ तक, इसमें बहुत ले लेता है जल्दी, यहाँ से यहाँ तक यहाँ भी लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट इनसे, और यहाँ पे बस इसमें मैसेज पास नहीं होगा, अंतर बस इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ पे जो भी इंसर्ट डिलीट हो चुका है उसको पहले इंसर्ट करते हैं, पहले इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा अपना प्रदीप, यहाँ पे ईमेल फिर से वही टाइप किया, रिकॉर्ड 1290 सबमिट, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया सही से, एडिट करना है तो इसको एडिट किया मैंने, यहाँ 12 की जगह मैं कर देता हूँ 19 सबमिट, रिकॉर्ड हो गया, डिलीट करके देखते हैं डिलीट, अब ये सारा टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो आई होप आपको अब ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसमें जो जो दिक्कतें मेरे आई, जो जो ये मतलब एरर आया वो भी आपको समझ में आ गया, कहाँ क्या गलती करेंगे तो क्या एरर आएगा। तो आई होप आपको ये एरर मतलब आप जब काम करें तो आपको ये एरर नहीं आएगी, आप इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे कि क्या एरर आता है, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आई होप आपको ये MySQL के साथ जो Node.js का कनेक्शन है और जो कर्ड ऑपरेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अब आगे बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। अब आप नोट जेस पे कोई वीडियो अभी फिलहाल नहीं बनाएंगे, अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे काम करेंगे, चाहे वो आपका एंगुलर जेस हो या फिर हम रिएक्ट जेस, जिस पे भी काम करेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।